सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गल्ला। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सैशन सद्या। 18 सितंबर तो 22 सितंबर तक चलेगा विशेष सैशन। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट राही सांझी की जानकारी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। कहा जम्मू कश्मीर में चोणों लई तैयार है सरकार। कहा सूबे का दर्जा बहाल करने लई कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती। विरोधी धिर के गठजोड़ इंडिया नैशनल डिवेलपमेंट इनकलूसिव अलायंस की 2 रोजा बैठक की मुंबई में हुई शुरुआत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत विरोधी पार्टियों के आगू कर रहे हैं शमूलियत। पंजाब सरकार ने की वड्डी कार्रवाई। पंचायतों भंग करने उत्ते सस्पेंड किए 2 उच्च अधिकारी। पंचायत विभाग के प्रमुख सकत्र धीरेंद्र तिवाड़ी और पेंडू विकास के पंचायत विभाग के डायरैक्टर गुरप्रीत सिंह खहरा को किया गया सस्पेंड। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सैशन सद लिया। 5 दिनों में लोक सभा ते राज्यसभा की कार्रवाई चलेगी। यह सैशन 18 सितंबर तो 22 सितंबर तक चलेगा, जिस विच 5 बैठक होणगियां। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने वीरवार को यह जानकारी दी है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद ने ट्वीट किया कि संसद का विशेष सैशन 18 तो 22 सितंबर दौरान चलेगा। इस विच 5 बैठक होणगियां। इस सैशन विच संसद विच सार्थक चर्चा ते बहस होण नूं लैके असंबंध ने। हालांकि यह सैशन 9 ते 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के कुछ दिनों बाद होने जा रहा है। अजे तक यह साफ तौर पर नहीं दस्या गया कि किहड़ा बिल है जिसन पास करवाने लई विशेष सैशन सद्या गया। दस दिए कि इस बार मानसून सैशन 20 जुलाई तो शुरू होया सी अते 11 अगस्त को खत्म होया सी, जो काफ़ी हंगामेदार रहा। इस चलदियां संसद के दोवां सदनों में ज़्यादा कामकाज नहीं हो सकया। सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने अज कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी भी समय चोणां करवाउण नूं तैयार है, पर सूबे का दर्जा बहाल करने लई कोई निश्चित समा सीमा नहीं दस सकते। पूर्ण सूबा बहाल करन विच कुछ समा लगेगा। मुख्य जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस SA कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की प्रधानगी वाली 5 जजों की संविधानिक बेंच ने केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस बयान को रिकॉर्ड उत्ते लिया, पर स्पष्ट किया कि संविधान की धारा 370 रद्द करने की संविधानिक वैधता चुनौती देने वाली पटीशनों उत्ते योग्यता के आधार पर फैसला लिया जाएगा। मेहता ने जम्मू कश्मीर लई पूरे सूबे का दर्जा बहाल करने उत्ते एक निश्चित समा सीमा दसण तो परहेज किया। उन्होंने उत्थे निवेश, रुजगार और सैलानी की गिणती वधन समेत विकास लई चुके जा रहे कदमों बारे अदालत नूं दस्या। जस्टिस चंद्रचूड़ की प्रधानगी वाली 5 मैंबरी संविधानिक बेंच ने 29 अगस्त को केंद्र सरकार को अधिकारित बयान देने लई कहा सी। विरोधी धिर के गठजोड़ इंडिया नैशनल डिवेलपमेंट इनकलूसिव अलायंस की 2 दिना बैठक की शुरुआत मुंबई में हो चुकी है, जिस विच 26 सियासी पार्टियों के आगू शमूलियत कर रहे हैं। इस दौरान वो एक तालमेल कमेटी बारे चर्चा करेंगे और गठजोड़ का लोगो जारी करेंगे। विरोधी आगू 2024 दी लोकसभा चोणों में कौमी जमहूरी गठजोड़ NDA का मुकाबला करने अपने मैंबरों में मतभेदों सुलझाने लई सांझी मुहिम की रणनीति बारे चर्चा करेंगे। बैठक में गठजोड़ का घट्टो घट साझा प्रोग्राम का खरड़ा तैयार कर देश भर में अंदोलन करने साझिया योजनावां बनाउण अते सीटां दी वंड लई कुछ कमेटियां दा ऐलान करन दी भी संभावना जताई जा रही है। दस दिए कि पटना ते बंगलुरु तो बाद गठजोड़ दी 3री बैठक मुंबई में हो रही है। भारत के अंदर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, भारत सरकार केवल एक आदमी के लिए काम कर रही है, भारत सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, मोदी जी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं, ऐसी खबरें जब विदेशों के अखबारों में छपती है तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। तो इस देश के युवा रोज़गार चाहते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। इस देश के लोग महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, उनको छुटकारा नहीं मिल रहा। वो कहाँ जाएँ? तो वो जब भी इनके पास जाते हैं तो ये तो एक ही आदमी का काम करने में लगे हुए हैं। तो ये इंडिया अलायंस जो है वो 140 करोड़ लोगों का अलायंस है, जो देश को एक तरह से तरक्की के और विकास के रास्ते में लेके जाएगा। ये अलायंस जो है ये कोई राजनीतिक लेवल का या कोई अपनी सीटें बढ़ाने या कम करने का नहीं, ये देश को बचाने का अलायंस है।
आज जो फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में है, कैसे कैसे तंग किया जा रहा है राज्यों को, वो राज्य जो इनके पक्ष में फतवा नहीं देते, मैंडेट नहीं देते, तो एक तरफ से हम एक डिक्टेटरशिप जो है उसकी फीलिंग आ रही है और विदेशों में खबरें छप रही हैं और विदेशों की जो पार्लियामेंट्स हैं उसमें डिबेट्स चल रही हैं। तो इंडिया जो अलायंस है वो सचमुच में इंडिया भारत है, 140 करोड़ लोग इसका चेहरा है। शायद आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि चेहरा कौन है, 140 करोड़ लोग इसका चेहरा है और सभी लोग देश के लिए लड़ रहे हैं और ये हमारे पुरखों ने, हमारे शहीदों ने ये अपनी जान कुर्बान करके हमें ये देश दे के दिया और इस देश को हम अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता नहीं देख सकते। इसलिए हम लोग जो है इकट्ठे हुए हैं, अपनी पॉलिटिकल लेवल से ऊपर उठ के, पार्टी लेवल पे उठ के, देश रहेगा तो पार्टियाँ रहेंगी। और इसलिए हम यही कह रहे हैं कि जीतेगा भारत, बढ़ेगा भारत और इंडिया अलायंस जो है उसमें हम लोग जहाँ भी हमारा कोई अपना एजेंडा हम लेके जाएंगे देश का। पंचायतों नूं भंग करन उत्ते पंजाब सरकार ने वड्डा एक्शन लिया। पंचायती विभाग नूं भंग करन दे मामले विच दो वड्डे आईएएस अफसरां उत्ते गाज डिगी है। पंजाब सरकार ने वड्डी कार्रवाई करदिआं पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट दे अज दे फैसले तों बाद पंचायत विभाग दे प्रमुख सकत्तर धीरेंद्र तिवाड़ी अते पेंड विकास ते पंचायत विभाग दे डायरैक्टर गुरप्रीत सिंह खैरा नूं मुअत्तल कर दित्ता है। जिक्रयोग है कि अज दोपहर पंजाब सरकार ने सारियां पंचायतां भंग करन दा 10 अगस्त दा फैसला वापस ले लिया सी। राज सरकार अगले 1-2 दिनों में नोटिफिकेशन भी वापस लवेगी। पंचायतों को भंग करने के मामले की वीरवार को पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस दौरान पंजाब के मुख्य सकत्तर एजी ने हुक्म वापस लेने की जानकारी दी सी। इस तो पहला हाईकोर्ट ने सरकार को पूछा सी कि पंचायतों को भंग करने का फैसला किस आधार तहत लिया गया। पंजाब दे पेंडू विकास ते पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दस्सिया कि लोकतंत्र दी नींह अखवाउंदियां पंचायतां नूं भंग करन संबंधी फैसला तकनीकी खामियां करके वापस लिया गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पेंडू विकास ते पंचायत विभाग वल्लों पंचायतां नूं भंग करन दा मामला जदों मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे ध्यान विच आया तां उन्होंने तकनीकी खामियां कारण तुरंत पंचायतां नूं भंग करन दे आदेशां लई पंचायती विभाग दे अफसरां विरुद्ध सख्त कार्रवाई करन दे आदेश दित्ते ने। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट में पंचायतों को भंग करने वाला फैसला वापस ले लिया गया ता जो तकनीकी कमियों को पूरा करके चोणा बिना किसी पक्षपात तो हो सकन। उन्होंने कहा कि सरकार ने सूबे में पिंडां दीआं पंचायतों दीआं चोणां नूं समय सिर करवाउण लई उपराले शुरू किए हुए हैं। कैबिनेट मंत्री ने भी कहा कि पंजाब सरकार पंचायती चोणा समय सिर करवाउण लई वचनबद्ध है। बीजेपी के सिख आगू मनजिंदर सिंह सिरसा भाजपा के राष्ट्रीय सकत्तर नियुक्त होने से गुरद्वारा श्री बंगला साहब में मत्था टेकन पहुंचे। इस मौके दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की समुची टीम वालों जनरल सकत्तर जगदीप सिंह कालों की अगुवाई में उन्होंने सम्मानित किया गया। इस मौके कालों ने कहा कि सिरसा अहम जिम्मेवारी मिलने सिख कौम का सिर माण नाल उच्चा होया। सिरसा ने सम्मान करने लई कमेटी के अहुदेदारां का धन्यवाद किया है। मैं बहुत धन्यवाद करदा मैं इतने गुरुद्वारा बंगला साहब पहुंचा धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणा शीस नवा के गुरु साहब का शुकराना किया है। जो ये माण है ये मेरे साथियों करके, मेरी कम्यूनिटी करके मिलया है, गुरु साहब की कृपा करके मिलया है और मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का भी बहुत शुक्रगुजार हाँ, गुरुद्वारा बंगला साहब के हैड ग्रंथी ज्ञानी रणजीत सिंह जी का शुक्रगुजार हाँ, सरदार जगदीप सिंह कालों साहब, जनरल सकत्तर साहब, सरदार परमजीत सिंह जी, चंडोक जी, चेयरमैन साहब, सारी कम्युनिटी का, सारी कमेटी का बहुत धन्यवाद करता है जिन्होंने मैंने माण बख्शिया और मैं इन्होंने विश्वास दवाना कि इस तरीके कौम की बेहतरी वास्ते जो भी मैं कर सकूँगा हमेशा डट के तुहाड़ी आवाज़ जी पार्टी अंदर भी सरकार से भी बन के मैं रहूँगा। देखो प्रायोरिटीज़ तो पहले तो दिल्ली कमेटी के कामों दी बहुत सारिया ने, पहले तो इन्हों के मसले ने वो गल करने हैं, फिर कम्युनिटी के बहुत मसले ने जिवें तुसीं देखिया कि बहुत सारिया गुरु घर दिया जायदादों को लैके अजे तक बड़े पेचीदा मसले ने, बहुत सारे इस कौम के ऐसे मसले ने चाहे वह भाषा को लैके होन, चाहे वह रिजर्वेशन लैके होन, चाहे वह कैदियों को लैके होन, इस तरह के बहुत ने जिन्हों के उत्ते सानू मिलकर काम करने की लोड़ है और असं उन्होंने उस अपनी आवाज़ को बुलंद करा और मिलकर काम करा। दुनिया की सब तो वड्डी पोलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी ने सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा को बहुत वड्डा मान बख्शा
नैशनल सैक्रेटरी राष्ट्रीय सचिव बनाया है और इस खुशी दे विच क्योंकि सिखां दा बहुत वड्डा मान वध्या है अज सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी गुरुद्वारा बंगला साहब विखे गुरु धन धन साहब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के चरणों नतमस्तक होने लई आए आ सारे साढ़े सत्कारयोग मैंबर साहब अहुदेदार दिल्ली कमेटी के प्रधान साहब क्योंकि अज बाहर है हजूर साहब इस करके उत्थे नहीं है बाकी साढ़े सारे मैंबर साहब अहुदेदार साहब इत्थे पहुँचे आ और बहुत ही निघा स्वागत उन्हां दा कीता है गुरु साहब के दर्शन किए आ नतमस्तक होए आ आशीर्वाद लिया है और सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी नूं इह जो जिम्मेवारी मिली है मैं समझदा ये बहुत वड्डी जिम्मेवारी है और इस करके जिम्मेवारी मिली है क्योंकि इन्हां दा जज्बा इन्हां दे काम करन दी लगन इन्हां दे काम करन दे प्रति श्रद्धा जो इन्होंने प्रूव करके दिखाया जदों ये दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान से तद भी जदों तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है उस तो बाद कोई अहुदा नहीं सी इन्हां कोल लेकिन पार्टी की इन्होंने बेबाकी दे नाल जिस तरह आवाज़ उठी है जो देश के खिलाफ ताकत काम कर दिया सन उन्होंने खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और राष्ट्रीयता का जो इन्होंने सुनेहा दिता है अज सारे हिंदुस्तान के सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी की चर्चा है क्योंकि बेबाकी दे नाल राष्ट्र के प्रति गल करते हैं सो असी धन्यवाद करते हैं जिथे वधाई देने सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी नूं दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों निघा स्वागत करते हैं। राजपूत समाज अते सिख समाज का रिश्ता बहुत पुराना है इस भाईचारक सांझ नूं कोई भी खत्म नहीं कर सकता इन्हां शब्दों का प्रगटावा राजपूत महासभा करनाल के प्रधान डॉक्टर एनपी सिंह ने किया गुरद्वारा रोड़ी साहिब नसिंग विच भगत पीपा जी नूं समर्पित गुरमत समागम करवाई गई इंटरनेशनल सिख फोरम अते श्रोमणी गतका फैडरेशन ऑफ इंडिया वालों गुरद्वारा रोड़ी साहिब जी की प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल करवाए गए गुरमत समागम दौरान वख-वख पंथ प्रसिद्ध कीर्तनी जथिया ने संगत नूं हरजस नाल निहाल किया इस मौके ढाडी जथिया ने ढाडी वारां दा गायन किया इस मौके संत बाबा गुरमीत सिंह गुरद्वारा राज करेगा खालसा डाचर ने राजपूत महासभा के प्रधान डॉक्टर एनपी सिंह सीनियर मीत प्रधान कुलदीप राणा जनरल सकत्र एडवोकेट ब्रिजपाल राणा मीत प्रधान प्रवीण राणा करनाल ब्लाक प्रधान भूप सिंह सीनियर कार्यकारिणी मैंबर कुंवर अमित सिंह होरनां यादगारी चिन्ह ते सिरोपाओ दे के सम्मानित किया इस मौके इंटरनेशनल सिख फोरम के जनरल सकत्र प्रतपाल सिंह पन्नू ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब समुची मनुखता के गुरु ने क्योंकि इस विच गुरु साहिब ने देश के वख-वख हिस्सों से वख-वख जातों से धर्मों के महापुरखों को बराबर का दर्जा दिता है ते उन्होंने बाणी दर्ज की है। आज का ये कार्यक्रम सिंह में गुरुद्वारा रोड़ी साहिब में संत पीपा सिंह जी को समर्पित रहा। संत पीपा सिंह जी राजस्थान के गंगलोर जिले के राजा थे लेकिन वो राजा होने के साथ साथ बड़े धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे और रामानंद जी के प्रभाव में आकर के उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और संत बने और उसके बाद उन्होंने अनेक रचनाओं के रचनाएं लिखी और गुरु अर्जुन देव जी ने उनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया। सिख समाज और राजपूत समाज का सदियों से एक ही विरासत और साझी विचारधारा रही है। हम दोनों समाज एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। आज कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए और कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाने पर तुले हुए हैं। हमने ऐसे लोगों का साथ ना देकर के जो अच्छे लोग हैं जो समाज का भला सोचते हैं उन सभी लोगों को बुद्धिजीवी लोगों को एकजुट होकर प्रयास करने पड़ेंगे और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना। आज के इस समागम के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज प्रीतपाल पन्नू जी व रोड़ी साहब गुरुद्वारा जी के पूरी प्रबंधक कमेटी का जो आज राजपूत समाज के साथ मिल करके ये इन सभी को सम्मानित किया है उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। समुचे संसार विच विलखण पहचान रखने वाले महान कोश के रचेता प्रसिद्ध विद्वान भाई साहब भाई कान सिंह नाभा का 162वां जन्मदिन इतिहासिक विरासती नगरी नाभा विच शहीद बाबा दीप सिंह वैलफेयर सेवा सोसायटी रजिस्टर्ड नाभा वालों भाई साहब के पड़पोतरे मेजर आदर्शपाल सिंह के सहयोग न मनाया गया। भाई साहब के जन्म दिहाड़े उत्ते भाई कान सिंह नाभा रचना विचार मंच अते उनके नाम उत्ते स्थापित जिला लाइब्रेरी की प्रबंधक कमेटी वालों भी विशेष सहयोग दिता गया। नाभा दी रोटी पुल विच भाई साहब के बुत उत्ते फुलां दे हार पा के लड्डू वंडे गए उपरंत भाई कान सिंह नाभा जिला लाइब्रेरी विच गुरु जी की इलाही बाणी का कीर्तन करवाया गया। इस मौके SDM नाभा तरसेम चंद समेत शहर दी धार्मिक समाजिक ते होर सियासी हस्तियां ने शमूलियत की। इस मौके भाई कान सिंह नाभा के पड़पोतरे मेजर आदर्शपाल सिंह ने दसिया कि भाई साहब ने 25 किताबां लिखियां। इस मौके जिला योजना बोर्ड के प्रधान जसवीर सिंह जस्सी संस्था के मुख सेवादार अमनदीप सिंह श्रोमणी कवि दर्शन बुटर ते होर पतवंत सज्जन मौजूद रहे।
ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 162ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਨਾਭਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਭਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੋਇਆ 1909 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ 1930 'ਚ ਛਪਿਆ ਜਿਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੱਥੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜੇ ਮਿਲੇਗਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕੁਛ ਦੇ ਰਚਨਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਭੇ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 162ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਭੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਭਾ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਭੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 162ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾਭਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਿਸਟਰ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਮੇਜਰ ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਰਚਨਾ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਭੇ ਦੀਆਂ ਇਸ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 162ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾਭੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
उन्हां दियां जो किरतां ने जां उन्हां दे जो कारज ने उहदे बारे तां बहुत कुछ बोलिया जा सकता है। संखेप विच मैं यही कहांगा कि उन्हां नूं दुनिया भर के विद्वान, दुनिया भर के लेखक, दुनिया भर दियां सिख संगतां एक महान विद्वान के तौर पर सारिआं दे मनां दे विच उन्हां दा सत्कार है। तो असीं हर साल नाभे दियां सिख संगतां वल्लों, नाभे दियां सारिआं संस्थावां वल्लों नाभा विखे असीं उन्हां दा जन्मदिन मनाउने आ। तो अज भी असी रोटी पुल के उपर भी उन्होंने याद पर खड़े हाँ, तो इतने भी असी अपना उन्होंने श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो खुशियां मना रहे हैं। दूसरे पास असी अज भाई काम सिंह नाभा जिला लाइब्रेरी के एक समागम रखे है, जिथे सारे ही संस्थावां के मैंबर साहबान नाभा निवासी पहुँच रहे हैं। उत्थे गुरु का लंगर भी तैयार है, तो कीर्तनी कीर्तन करे, तो एक लम्मा समागम असी रखा हुआ। तो असी भाई काम सिंह नाभा की धरती तो सारिया ही संस्थावां वालों समुचे सिख जगत को उन्होंने 162वें जन्मदिन से बहुत बहुत मुबारकबाद दें, तो खुशियां महसूस करते हैं कि यहोजा विद्वान नाभे की धरती को मिले साढ़े लिए यह माण की। 162वां जिहड़ा जन्म दिहाड़ा मनाया जाता है, जे अज इतिहास के जिहड़े पन्ने फरोलते हैं तो वह बोलते ने पन्ने कि यह शख्सियत आ जिहड़े कि स्कूल या कि कॉलेज नहीं गई और एड्डी वड्डी जिहड़ी आ उन्होंने साडा महान कोश जिहड़ा ग्रंथ लिखा है। तो तुसी हैरान मनोगे ये 14 सालों च पूरा होया है, 14 साल की मेहनत का मशक्ता है। अज नाभे नूं एक बहुत वड्डी जिहड़ी विरासत छड्ड गए आ, जिहड़े साडे पूरे विश्व च मैं कहना इहदा नाम आ जी। तो वो नाल नाल जदों भी मैं कहना ये बहुत छोटा समय जो उन्होंने बारे दसया जाए कि एक पूरा महीना दो महीना जे उन्होंने एक सैमीनार भी कराया जाए वह भी समा थोड़ा है, और असी कोशिश करांगे खासकर मैं कि इन्हां दे जिहड़ा जीवन ते एक सैमीनार कराया जाए, जिहड़े ते अज बहुत लोग PhD कर गए, बहुत कुछ जिहड़ा इतिहास के जिहड़े पन्ने ने वो साडी जिहड़ी आउण वाली जिहड़ी साडी पीढ़ी आ उन्हां नूं दसण दी लोड़ आ, वो कार्ज असी अगे होके संभालीए। कि नाभा स्टेट के बहुत महान विद्वान भाई कान सिंह जी नाभा जिन्हों का जन्मदिन वो वास्ते सारे नाभा निवासी बड़ी खुशी की गल है और बड़े माण की गल है कि वो साढ़े नाभा निवासी से जिथे असी जन्म लिया। और जिमें गुरु नानक देव जी ने कहा कि अत लोभ है ज्ञान तारे धोए, उहदे तहत उन्होंने लोगों नूं ज्ञान वंडिया। पटियाला विच भाषा विभाग पंजाब दे विड़े विच पंजाब सरकार दे दिशा निर्देशों हेठ भाषा विभाग पंजाब वालों भाषावां दी जननी संस्कृत नूं समर्पित संस्कृत दिवस मनाया गया। इस समागम के शुरू में डॉक्टर बीरपाल कौर एडिशनल डायरैक्टर भाषा विभाग वालों पंजाब के कोने कोने तो आए संस्कृत प्रेमियों नूं जीआईएन नूं आख्या गया, तो विभाग वालों संस्कृत के विकास लिए चलाई जा रही स्कीमों बारे जाणू करवाया गया। इस मौके उन्होंने दसिया कि जिथे भाषा विभाग पंजाबी की प्रफुल्लता लई निरंतर यत्न कर रहा है उत्थे ही संस्कृत के विकास लिए भी अपना पूरा जोर लगा रहा है। इस समागम में मुख मेहमान वजो PRTC के चेयरमैन रणजोत सिंह हडाणा ने शमूलियत की। इस मौके उन्होंने इलावा वख-वख पतवंतियां ने शमूलियत की। समागम में पहुंचे पद्मश्री डॉक्टर रतन सिंह जग्गी वालों भाषा विभाग नाल अपनी पुरानी यादां ताज़ा करते हुए उन्हां वालों दसम ग्रंथ संबंधी किए अपने खोज कार्य में आए संस्कृत हवालों का विशेष तौर पर जिक्र किया गया। इस मौके वख-वख कवियों ने अपनी रचनावां भी पेश कीतियां। भाषा विभाग वालों अज इत्थे भाषा विभाग पंजाब के हैड ऑफिस विखे एक संस्कृति दिवस में संबंधित अज इत्थे एक प्रोग्राम करवाया गया वा, तो मैनू इस विच शिरकत करन दा मौका मिलिया, बहुत खुशी हुई इत्थे अज पहुँच के। तो संस्कृत नाल संबंधित जिहड़े इत्थे विद्वान पहुँचे उन्होंने विचार सुन के भी बहुत चंगा लगा। तो भाषा विभाग के डायरैक्टर मैडम डॉक्टर वीरपाल कौर जी, तो डिप्टी डायरैक्टर सरदार सुनाम सिंह होना ने इत्थे बहुत वधिया इत्थे सारा अज प्रोग्राम का प्रबंध किया हुआ वा, तो बहुत अच्छा लगा इत्थे अज प्रोग्राम समर्पित कर रहे हैं। आम तौर पर रखड़ी वाले दिन संस्कृत पुन्या के दिन संस्कृत दिवस में मनाया जाता है, तो अज भाषा विभाग वालों 31 तरीक संस्कृत दिवस मनाया जाता। भाषा विभाग वालों बड़िया ही स्कीमां संस्कृत की प्रफुल्लता के लिए चलाई जा रही ने, जिमें कि उपर आप गल करते भी जी संस्कृत आ ये भाषावां की जननी है, ये उत्तों भावें अंपरंश होवे पाली होवे अलग अलग रूपां दे विच आउंदी हुई भाषा अज पंजाबी भाषा जिहड़ी रूप धारण कीती है। हुण विद्वानां नाल आपां गल करके हटे हाँ, वह कहिंदे पंजाबी दा ते संस्कृत दा आपस विच ही बहुत समेल आ,
तो जितों तक भाषा पाक संस्कृत की गल करता, संस्कृत के कालीदास के असी नाटक जोड़े है उन्होंने असी छाप चुके हैं। भाषा पाक संस्कृत के एक श्रोमणी साहित्यकार अवार्ड जोड़ा 5 लाख का हरेक साल उन्होंने एक अवार्ड दिता, एक जी सर्वोत्तम पुस्तक छपदी है उन्होंने कालीदास अवार्ड के नाल उस साहित्यकार 31,000 रुपए का इनाम दिता जाता। इस तरह भाषा पाक दियां अनेक स्कीम ने जिवें पंजाबी की प्रमोशन के लिए असी पैरल 4 भाषावान की प्रमोशन लिए काम कर रहे हैं, संस्कृत, पंजाबी, हिंदी, उर्दू। ये लगातार साडा सिलसिला जारी चल रहा, जिवें कि असी हिंदी संस्कृत दिवस मना रहे हैं। नैक्सट बार असी जिहड़ा है अगले महीने सितंबर के उत्थे असी हिंदी दिवस मनावांगे, एवें पंजाबी वीक मनाउने आ। ये साडा कॉन्टीन्यू प्रोसैस आ भाषावान विकास के लिए, हमेशा असी निरंतर यतनशील हाँ, तो अगे तो यतनशील हाँ। थोड़ा विशेष तौर पर धन्यवाद, तुसीं साडे समागम नूं कवर करन दे लई आए, धन्यवाद। एलन मस्क ने ऐलान किया कि ट्विटर उत्ते हुण बहुत जल्दी ऑडियो ते वीडियो कॉल फीचर मिलेगा। उन्होंने भी दस्या कि नवी विशेषता एंड्रॉयड, iOS, PC अते मैक दे अनुकूल होवेगी। मस्क का दावा है कि बिना किसी फोन नंबर के ऑडियो ते वीडियो कॉलां कीतियां जा सकणगियां। तहसील कंपलैक्स बाबा बकाला साहब के बाहर कुछ अणपछाते व्यक्तियों वालों गोली मार के एक नौजवान का कतल कर दिया गया। प्राप्त जानकारी मुताबिक बीती रात तकरीबन 12 बजे तहसील कंपलैक्स के बाहर कुछ लोगों में आपसी झगड़ा हो गया, जिस तो बाद गोली चली, जिस दौरान 30-31 साल के एक नौजवान की गोली लगन नाल मौत हुई है। मृतक की शनाख्त कमलजोत सिंह वजो हुई है, जो घुमाण का रहने वाला से। ब्यास पुलिस वालों परचा दर्ज करके मामले की तफ्तीश की जा रही है। गढ़शंकर के दीन पैंदे पिंड सैला कलां विखे उस समय मातम का माहौल बन गया, जदों एक कलजुगी नूं ने अपने बजुर्ग सहुरे नूं कुट कुट के मौत दे घाट उतार दिता। जानकारी मुताबिक मृतक की पहचान सोहन सिंह वजों हुई है, जिसकी उम्र तकरीबन 75 साल से। नूं सुखविंदर कौर अपने बच्चे की कुटमार कर रही थी, जिस तों रोकण उत्ते नूं ने सहुरे की बेरहमी नाल कुटमार की, जिस तों बाद उसनूं हस्पताल विच भर्ती करवाया गया, जिथे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। पटियाला के त्रिपड़ी इलाके में सरकारी डिस्पेंसरी के बिल्कुल सामने दवाइया की आड़ के नशीलिया गोलियां बेचने वाले को पटियाला पुलिस ने काबू किया है, तो उस को नशीलिया गोलियां के कई पत्ते बरामद किए गए। यह कार्रवाई एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर की गई। ड्रग विभाग के पुलिस विभाग ने सांझे तौर पर रेड मारी, दवाइया समेत एक व्यक्ति को काबू किया। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अधीन चलाए जा रहे श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल लोनी रोड में गुरमत प्रचार के मद्देनज़र गुरबाणी बाबत जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। इस मौके स्कूल के प्रिंसीपल सुखबीर सिंह ने दसा कि वख-वख क्लासों के 50 विद्यार्थियों ने गुरमत बारे जानकारी हासिल की है। इस मौके दिल्ली कमेटी मैंबर परविंदर सिंह लक्की ने इस उपराले लिए प्रिंसीपल से समूह स्टाफ की शलाघा की। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो मेन टीचा हैगा, अपनी पनीरी नूं अपने बच्चों नूं गुरु शिक्षा दे नाल जोड़ना, वो गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल लोनी रोड दे विच कार बखूबी निभाया जा रहा। अज तकरीबन 50 बच्चों नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चढ़नी लगाया गया, ताकि वो बच्चे ने ये सिख और नॉन सिख दोनों बच्चे शामिल हैं। ये बच्चे रोज़ गुरबाणी का पाठ करते हैं और हुण होर भी करनगे उत्थे, और गुरु साहिब की दित्ती हुई सिक्ख्या लवेंगे और लैणगे और अगे देणगे। सो बहुत वड्डा एक अज असी मील का पत्थर गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल लोनी रोड के विचकार होया, जिहदे 50 बच्चियां ने अज गुरु साहब के चरणी लग के और अपने आप नू साडे धर्म दे नाल, साडे धर्म दी सिक्ख्यावां दे नाल, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सिक्ख्यावां दे नाल अपने आप नू जोड़िया। अज गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल लोनी रोड वास्ते बहुत वड्डी गल है, जिस दिन साडे स्कूल दे 50 तो ज़्यादा बच्चे गुरु के चरणी लगन लगे। ये बच्चे वख वख क्लासा च हैगे आ और क्लास 12वीं तक के बच्चे चरणी लगन लगे आ। मैनू दसदे हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इन्हां दे विच अद्धे तो ज़्यादा जिहड़े बच्चे हैगे आ उह सहजधारी आ। बच्चियां नूं वाक लैणा ते अरदास करनी सिखाई जाएगी। इस स्कूल दे विच इह हर साल होंदा आ रिहा है, लेकिन इस साल बड़ी वड्डी तादाद दे विच बच्चे चढ़नी लग रहे आ, जो अपने आप दे विच एक कमाल की गल हैगी आ। मैं अज दे दिन उन सारे बच्चों नूं बहुत बहुत वधाई देना है कि उन्हां दी किस्मत दे विच परमात्मा ने यह दिन रखिया और परमात्मा ने उन्हां नूं ये बख्शीश दित्ती जिदे विच वह अपना आप नूं गुरु दे नाल जोड़नगे, ते जिदे करके मैनू लगता है
कि उन्हां दी वोकेशनल ट्रेनिंग भी होएगी, मॉरल ट्रेनिंग भी होएगी और उन्हां दी पढ़ाई दे विच इहदे करके उन्हां नूं बहुत ज़्यादा इजाफा होएगा। जिन्हां दर्शकों के घरों में फास्टवे के सैटअप बॉक्स उत्ते चढ़दी कला टाइम टीवी नहीं चल रहा तो कृपा करके अपने फास्टवे सैटअप बॉक्स की सैटिंग जाके रीसैट टू फैक्टरी सैटिंग उत्ते क्लिक करके बॉक्स में रीसैट कर। इस तरह करन नाल तुसी चढ़दी कला टाइम टीवी फास्टवे के चैनल नंबर 115 उत्ते निरंतर वेख सकोगे। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं जाते आते नज़र मारदे मौसम के हाल से बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी। धन्यवाद।